अगर आप भी एक बच्चे हैं और आपको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है, याद करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, तो आपको ये तरीका जरूर अपनाना चाहिए। हाँ, मैं हूँ सत्यानंद मिश्रा बी ए क्लब की तरफ से और मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे लाइफ टाइम तक के लिए आपको लर्न हो जाएगा। तो इस तरीके के लिए सबसे पहले आपको एक चैप्टर लेना है, जैसे कोई भी चैप्टर, मान लीजिए वो एक कहानी है। कहानी जैसे एक राजा है, उसकी इतनी रानियां हैं, इतने उसके लड़के हैं, बच्चे हैं, ये हैं। तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर की पहले आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग को समझना है। अगर जो शब्द आपको समझ ना आए डिक्शनरी तो उसको कर लीजिए, वो आपको समझ आ जाएगा। सेकंड ये है, आपको समझने के बाद उस कहानी की मैक्सिमम पिक्चर्स बनानी है ज्यादा से ज्यादा। जैसे एक राजा की पिक्चर बनी, महल की पिक्चर बनी, रानियां की पिक्चर बनी, पिक्चर कॉपी में बनाना है। कॉपी में बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे वो राजा कौन था, उसका नाम क्या था, उसकी कितनी रानी थी, उसके कितने लड़के थे, उसमें कितनी लड़कियां थी, ऐसे हजारों क्वेश्चन जितने आपके दिमाग में आए सब बना डाले, सबको बाहर निकाले और लिख डाले। इसके बाद आपको उसको समझाना है। जैसे आपके बगल में आपकी दीदी बैठी है, आप उसे समझा दें, मम्मी बैठी है, पापा बैठे, आपके दोस्त बैठे हैं और भी कुछ बैठे हैं, तो उनको समझाइए। समझाने के बाद आप उसको उसकी वीडियो बनानी है, ये जरूर देखिएगा, वीडियो बनानी है आपको उसकी। वीडियो से क्या होगा, आपको डर नहीं रहेगा कि मैं चैप्टर बड़े लोगों को, यानी वीडियो तो सबके पास जाएगी, यूट्यूब में सबके पास जाएगी, तो आपको ये डर नहीं होगा कि मैं अपने से बड़े को जब बता रहा हूँ तो मैं डरू ना। रीडिंग आपको आएगी, उसके बाद आप पिक्चर्स बनाएंगे, पिक्चर्स से आप आर्टिस्ट बनेंगे, आर्टिस्ट के बाद आप क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस से आपके जितने दिमाग में आएगा वो उसे आप साइंटिस्ट बनेंगे, साइंटिस्ट के बाद आप समझाएंगे तो आप टीचर बनेंगे समझाने से, उसके बाद आप वीडियो बनाएंगे, वीडियो से आप डायरेक्टर बनेंगे। तो थैंक यू।